नमस्कार वी आर हेयर फॉर म्यूचुअल फंड सीरीज़ कि म्यूचुअल फंड क्यों है ज़रूरी चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यू रिक्वायर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को अगर हम बीट नहीं कर पाएंगे तो पैसा घटता चला जाएगा इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है एस देर इज कि अगर इन्फ्लेशन को हम बीट नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन हमें खा जाएगी दैट इज द प्रॉब्लम इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए वी हैव टू डू द इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हों कौन से असेट क्लासेस में हो वो हमें देखना है द असेट क्लासेस विच आर अवेलेबल टू यू आर रियल इस्टेट गोल्ड एफ डीस म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स उसके बारे में अभी बात करेंगे एक नॉर्मल सेइंग है क्या से क्या हो गया देखते देखते पहले एक रुपये में बहुत कुछ आता था अब उस एक रुपये में बहुत कम सामान आ पाता है इसीलिए आपने देखा कि पहले उस पे गेहूँ का बाली बना हुआ था और अब उस पर हाथ का निशान बना हुआ है दैट नथिंग इज कमिंग Why वी रिक्वायर इन्वेस्टमेंट्स एंड दे वट आर द ऑल्टरनेटिव लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव हमारे पास हैं इसलिए हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात ज़्यादा करते हैं ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं यहाँ पर आप एफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं एफ में आपको पाँच का रिटर्न मिलता है टैक्स कटेगा इफेक्टिव रिटर्न कम हो जाएगा पी में द इफेक्टिव रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न सेवन पॉइंट वन अराउंड एन में 6.8 पॉइंट एट परसेंट के आसपास सुकन्या समृद्धि 7.6 पॉइंट सिक्स परसेंट के आसपास रियल इस्टेट में लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न नहीं आया है कहीं कहीं बिट्स एंड पीसेस पैचेस में आ जाता है बट अभी पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो बड़ा रिटर्न ब्लैंकेट नहीं है रियल इस्टेट में और इसके बाद गोल्ड गोल्ड में येस देर इज देर देर इज अ रिटर्न बट एक चीज जो समझने वाली है गोल्ड इंडिया में जो रिटर्न आता है वो सेम रिटर्न आपको यूएस में नहीं मिलता है इंडिया में रिटर्न बिकॉज इंडिया इज एन इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड तो करंसी का जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है वो भी आपके पास गोल्ड के अंदर आ जाता है अब आज के दिन करेंसी 76 के आसपास है आने वाले समय में कितना बड़ा डेप्रिसिएशन होगा डिबेट का इशू है तो गोल्ड में और दैट टू फिफ्टी के आसपास से ऊपर आप गोल्ड पर पहुँच गए हैं तो एक बड़ा रिटर्न गोल्ड में आज के बाद आप रेगुलर बेसिस पर कमा पाएँ कम्पेरेटिवली इतना प्रॉबेबल नहीं है अदर और, ऑल्टरनेटिव जैसे म्यूचुअल फंड है वो आपके लिए ज्यादा बेटर यहां पर है बात करते हैं वाई द म्यूचुअल फंड क्योंकि हमने बाकी असेट क्लास का बात करा तो अब म्यूचुअल फंड क्यों हम गोल्ड इन्फ्लेशन इनसे ज्यादा रिटर्न कमा पाए इसके लिए हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं पहले बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं देर आर टू मोड्स जिससे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं पहला है सम मोड और दूसरा है एस आई पी मोड देखिए सम मोड में क्या होता है आप एक बार पैसा लगा देते हैं यू पुट एन इन्वेस्टमेंट फॉर फॉर वंस अ ह्यूज मनी जिसके बाद आप वो वाला पैसा हर बार हर मंथ रिपीट करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने एफडी ब्रेक करा है कहीं से पैसा आया है कोई प्रॉपर्टी बेचा है या कुछ और आप वन टाइम पैसा लगा सकते हैं उंट का बी एट फाइव टेन थाउजेंड नो प्रॉब्लम इन दैट पर जिसको आप बार बार रिपीट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने की इच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए याद रखिएगा टाइमिंग ऑफ द मार्केट बड़ा जरूरी है यदि आपने टाइमिंग सही पकड़ लिया इट इज जस्ट लाइक अ परचेजिंग अ प्रॉपर्टी जब आपने लमसम में इन्वेस्टमेंट किया है उसके बाद उस मार्केट में क्या हुआ है वो आपके साथ होगा मार्केट नीचे आया है तो आपका प्रॉपर आपका अमाउंट भी नीचे आएगा म्यूचुअल फंड का और अगर मार्केट ऊपर गया है तो आपका भी पैसे में इंक्रीज आएगा दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी फंड्स विच वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर दूसरा तरीका होता है जो काफ़ी प्रचलन में है विच इज़ द फैंसी ऑफ द मार्केट विच इज़ एस आई पी एस आई पी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पर आप पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पीरियोडिक मंथली भी हो सकता है या कोई और पीरियड जो आप डिसाइड करना चाहें पीरियडिसिटी से बहुत फायदे होते हैं अभी उस पर दो मिनट में हम चर्चा करेंगे पीरियोडिसिटी का फायदा क्या है कि आपको कई कॉन्सेप्ट दैट इज लॉ ऑफ एवरेज और लॉ ऑफ कंपाउंडिंग वो आपको फायदा कर देते हैं चलिए बात करते हैं उसके बारे में म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हैं तो एस में जितना लंबे समय तक आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा है जितने लंबे समय तक आप मार्केट में एस कर पाते हैं उतना बड़ा आप ग्रोथ उतना बड़ा कॉर्पस बनाने की कैपेसिटी रखते हैं दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्योंकि आप लगातार जब पैसा डाल रहे हैं यदि मार्केट में डाउनफॉल आया है तब भी आप लगातार सेम अमाउंट या इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें नॉर्मली इंक्रीज की हम सलाह देते हैं आप जब लगातार अमाउंट उसमें डाल रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होती चली जाती है जिसके कारण वेन द मार्केट राइजेज अगेन वो आपको फायदा देता है इस पर मैं एक मिनट लगाना चाहूंगा वो क्या देखिए इस मार्केट का ना डेस्टिनी है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा साउंड्स टू बी स्ट्रेंज बट नो इस मार्केट को ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखेंगे तो जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा आप पाएंगे कि ये मार्केट ऊपर जा रही है हर आठ दस बारह साल बाद देख लीजिए आप किसी भी मार्केट को वहाँ से आपको ऊपर ही मिलेगी यदि आप इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लगातार करते चले जाते हैं तो जो मार्केट कभी नीचे भी आया है दोबारा जब वो उठकर अपनी साइकिल्स के नज़रिए से ऊपर जाएगा उस समय आपको क्वांटिटी जो आपने परचेस कर रखी है उस पर प्रॉफिट होने वाला है ये बहुत बड़ा एक वरदान है म्यूचुअल फंड्स का इसीलिए एस को लॉन्ग टर्म के परिपेक्ष में लॉन्ग टर्म के कंटेक्स्ट में देखा जाता है अब बात करते हैं दिस इज ट्रीट द म्यूचुअल फंड्स एज योर फर्स्ट चाइल्ड जैसे ही आपका फर्स्ट बेबी आप इसे जैसे ही मानेंगे जितना पैसा आप अपने बच्चों पर लगाते हैं इस पर उतना ही पैसा लगाते जाइए बीट स्कूल फीस बीट बर्थडे एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप पाएंगे जब ये म्यूचुअल फंड तीस साल का होगा इस म्यूचुअल फ़ंड नाम का बच्चा क्योंकि तीस साल तक आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसका एक बहुत बड़ा ग्रोथ निकल के आएगा बहुत बड़ा कॉर्पस निकल के आएगा उस कॉर्पस को टारगेट कीजिए रादर हम लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि आप यदि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट फॉर जनरेशंस बहुत कम लोग ही इस बारे में, में बात करते हैं पीपल टॉक के 20-30 साल, साल का इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप जनरेशन्स में अपने बच्चों के लिए अपने ग्रैंड डॉ डॉटर्स एंड सन्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे 50, 60, 70, 100 साल का नज़रिया लेके चलिए इवन अ स्मॉलेस्ट ऑफ अमाउंट तो वो लंबे समय का पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिलेगा मैं अभी थोड़े समय में आपको उसकी एक स्लाइड भी दिखाऊँगा नाउ कम टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमने बहुत बात करा पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है

आप एस आई पी शुरू करके तो देखिए एक लंबे समय तक एक छोटा सा अमाउंट एस हमारे यहाँ पर बोला जाता था बूंद बूंद से भरता सागर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट्स कीजिए आपको बड़ा रिटर्न मिलता चला जाएगा बिकॉज जो भी रिटर्न मार्केट दे रहा है वो लंबे समय तक कम कम्पाउंड होते चले जाएंगे और वो बहुत बड़ा रिटर्न आपके पास आने वाला है देन वी गो टू सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस विच इज़ लॉ ऑफ एवरेजिज जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी दैट इज यदि मार्केट नीचे आता है आप क्योंकि एस कर रहे हैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते चले जा रहे हैं मार्केट में जितना पैसा आप डालते हैं म्यूचुअल फंड उस पैसे को स्टॉक मार्केट में या जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने बोला है उसमें इन्वेस्ट करता चला जाता है उसी दिन अब क्योंकि उस दिन इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उस दिन का रेट आपके लिए आएगा this दे दे कीप ऑन डूइंग फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दे आर गेटिंग into the द fund फंड कॉर्पस जिससे यदि मार्केट में फॉल आ रहा है तो आपको सस्ते रेट पर सामान मिल रहा है फिर फॉल आएगा फिर सस्ते रेट पर सामान मिलेगा जिसके कारण आपका एवरेजेस बनता चला जाएगा और क्योंकि म्यूचुअल फंड एक कॉर्पस है वो उस कॉरपस में लगातार इन्वेस्टमेंट करता जाता है बिकॉज बड़ा इन्वेस्टमेंट उनके पास आ रहा है जिसके कारण ओवरऑल म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होती चली जाती है क्वांटिटी बढ़ता चला जाता है अब मार्केट का क्योंकि साइकिल है हमने बात किया तो द मोमेंट द अप साइकिल कम्स वो क्वांटिटी पर यू गेट अ बिग रिटर्न दैट इज द बेसिक प्रमाइस ऑफ सेइंग दैट इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज वो लॉन्गर पीरियड में बाय डिफॉल्ट लॉ ऑफ एवरेजिस एंड लॉ ऑफ कंपाउंडिंग दोनों आपके फेवर में चले जाएंगे जिसके कारण आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट निकल करके सामने आता है दिस इज द बिगेस्ट थिंग मैं यहां पर आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं दैट इन्वेस्ट इन इंडिया इंडिया इज गोइंग टू बी अ फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट अ टेन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अभी जो हम बात करते हैं अराउंड टू पॉइंट सेवन ट्रिलियन डॉलर के आसपास हैं मोटा मोटा चार गुना आने वाले कुछ सालों में हम बढ़ जाएंगे अगर हमारा जीडीपी नॉर्मली अगर बेयर केस मिनिमम एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप छः परसेंट भी पकड़ लें आप उसको अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेके जाएं तो आप आराम से पता कर सकते हैं मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि कितने साल में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे चार गुना हो जाएंगे जो बड़ा रिटर्न इंडिया में पिछले कई सालों में आया है वो अगले 20-25 साल में आने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू बी फोर टाइम्स ऑफ द करंट सनारियो वेयर वी आर और जब ये जो बड़ा रिटर्न आएगा ये बड़ा रिटर्न नंबर गेम में आएगा नंबर गेम डिजिटल इकोनॉमी नंबर गेम फाइनेंशियल पेपर असेट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आज यदि आप देखते हैं कि, कि किसी का, का एग्जाम्पल दीजिए कि, कि किसी के पास पैसे हैं तो आप डू कहाँ से वो पैसा आया होगा उसके पास द क्रक्स एज प्रॉपर्टी और गोल्ड असेट क्लासेस ऑफ दैट टाइम आज का असेट क्लास फाइनेंशियल पेपर असेट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट्स हैं आने वाले समय में जब ये बड़ा ग्रोथ आएगा तो आप देखिए कितने नए मिलेनियर्स कितने नए बिलेनियर्स कितनी नई न्यू कंपनीज कितने नए स्टार्टअप्स नए एंटरप्रेन्योर्स सामने आएंगे और जिसके कारण नया इंडिया आपके सामने आता चला जाएगा जिसके अंदर फाइनेंशियल असेट्स विल बी द बिगेस्ट असेट्स स्टॉक मार्केट जिसके कारण राइज करेगा स्टॉक्स में रिटर्न्स बड़ा मिलेगा जिसके कारण बाय डिफॉल्ट म्यूचुअल फंड्स विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज फॉर दैट नाउ फाइनेंशियल मार्केट में जब हम बात करते हैं वी से दैट द फाइनेंशियल मार्केट हैज द डेस्टिनी टू मूव अप